ओके गाइस, तो हमारी नई स्ट्रीम भी स्टार्ट हो चुकी है। अपने ज़रा चैनल पे चलते हैं। अपना चैनल भाई कितना सब अपन ज़्यादा ओवरहाइप हो चुके थे। शेयर कॉपी लिंक कॉपी हो गया बहुत तो भी। ये वो भाई को अपन ज़रा मैसेज करते हैं। बस इलॉन्गेट हो गया लिंक कॉपी। नाइस, मेरे को शायद गेम फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा भाई यार। ये क्या हुआ है, वो कॉपी करना है। इधर उधर इधर उधर इधर हो गया गाइस, सब हो चुके हैं, सब तरफ सर्कुलेशन हो चुका है। और ओके, तो नेवरदलेस को पिक ऑफ कर दिया गया है गाइस। सॉरी, अभी मैं थोड़ा टाइम लग गया मेरे को स्ट्रीम अपनी सेट करने में। एक मिनट ज़रा, एक ही वॉचिंग ही है अभी के लिए। शॉर्ट के बीच शायद कुछ हो चुका है इनको। ओके, फिर से हमें जॉर्जपुर में दो स्क्वाड्स देखने को मिल गए शायद। जी हाँ, जॉर्जपुर कंटेनर से भी दो स्क्वाड्स, जॉर्जपुर सिटी में भी दो स्क्वाड्स। ओके, बस एक सब्सक्राइबर मतलब एक वॉचिंग है गाइस। थोड़ा और बढ़ाओ यार, शेयर वेयर करो दोस्तों वोस्तों को शेयर करो। क्या कर रहे हो वैसे? टीम नंबर 13 का शायद एक ही बन, नहीं आई एम सॉरी, टीम नंबर 13 बहुत ही दिक्कत में है जॉर्जो कूदने के बाद। टीम नंबर 24 के पास अच्छी लूट्स दिख, ओके टीम नंबर 24 के पास भले ही अच्छी लूट्स हो, लेकिन वो उनके पास बस दो ही मेंबर्स हैं। कुछ हो गया होगा, टेक्निकल डिफिकल्टी नहीं आ पाए। निंजा ओपी को भी वेस्ट मिलने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल वेस्ट मिल चुकी है। अब इनका एक टॉप एक्सलिशा मिनी 14 से शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है टीम नंबर 24 पे, बट असमर्थ हो रही है, हो रही है। चलो, नेवरदलेस के पास कुछ है नहीं गाइस, ना ही ओके वेस्ट है, हेलमेट और बैग कुछ नहीं है, ना ही कोई AR है, ना ही कोई SMG है। तो तब भी वो रश करने आ चुके। AGR कुनाल को पिक ऑफ किया जा चुका है। किधर है AGR कुनाल? एक मिनट, AGR कुनाल भाई एक सेकंड गाइस, बस देख रहे हैं हम। AGR कुनाल हमें मिले नहीं है अभी के लिए। पता नहीं भाई किधर है AGR कुनाल हमारे। गाइस हमें अभी के लिए मिले नहीं है अभी टीम नंबर। ओके, जेपनू AF को नेट से नॉक किया जा चुका भाई, हेल बॉय। ये भी देखना पड़ेगा हेल बॉय किधर है। जेपनू को देखते हैं, इनके दो बंदे शायद से गाड़ी लेके भाग चुके हैं। ओके, जेपी नूब को बहुत ही गंदी तरीके से फिनिश किया जा चुका है टीम नंबर 16। गाइस अभी एक की वॉचिंग है यार, अभी तक एक की वॉचिंग ही चल रही है भाई, कुछ तो करो। ओके, CS पांडा को देखते हैं हम लोग टीम नंबर 15 के। तो इनका एक बंदा IFR रॉय मर चुका है। और ओके, ये लोग वाटर सिटी की तरफ आए। टीम नंबर 5 पूरा वाटर सिटी की लूट कर चुकी है, उनके पास अच्छी लूट्स होंगी ही। ओके, वेक्टर है जुबजीत के पास, दो बंदों को स्पॉट किया। क्या एक दो को पिक ऑफ कर पाएंगे अपने बहुत ही ओपी वेक्टर? नहीं 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 भाई भाई, टैप चला रहे हैं लोग, मतलब टैप पे चला रहे हैं, उन्होंने स्प्रे नहीं दिया। वीडियो मेकर को देखते हैं, इनके पास भी M5 और AK है। INFK और टैडी के पास माइक्रो यूजी विद AK आई सपोज, यस होगी। गॉडफादर तो शायद टीम नंबर 5 को बैकबाइट करने जा रहे हैं। उनके पास कार्नेटेड है जो कि बहुत ओपी चला सकते हैं अगर उनकी स्नाइपिंग अच्छी, और AKM भी है। टीम नंबर 15 इनडायरेक्टली सैंडविच हो ही रही है टीम नंबर 5 के द्वारा। इनको शायद अभी तक पता भी नहीं चला कि टीम 5 का एक बंदा उनको पीछे से डसने के लिए आ चुका है। अभी भी एक ही वॉचिंग है, और ऐसे वेक्टर चलाने जैसे लग रहा है कोई बॉट चलाने। भाई दिल पे मत लेना अगर स्ट्रीम देखो तो, क्योंकि बॉट्स भी ऐसे वेक्टर चलाते हैं। जुबदीत हमारे ओके स्कूल की तरफ भी हमें फाइट देखने को मिल सकती है। टीम नंबर 24 और टीम नंबर 7 के बंदे पास हैं। ओके, BDS के कुल ओपी को नॉक पिक ऑफ कर दिया जा चुका है। कोहान एंड फिनिश भी हो जाएंगे वो अभी। ओके, एक और फाइट देखने को मिल चुकी है हमें जॉर्जपोल के कंटेन जॉर्जपोल के सिटी में। आई मीन टीम नंबर 4 का एक बंदा नॉक है। जी हाँ, DNA ओके
तीन नंबर 25 के सोनिक ईवो को देखते हैं, सोनिक ओपी आई मीन, भाई बहुत ही जगह फाइट चल रही है नेवरदलेस को निंजा ओपी के द्वारा पिक ऑफ कर दिया गया है। जुबजीत टीसीएस पांडा की देखते हैं पिक ऑफ कर दिए जा चुके हैं। सोनिक ओपी को बहुत ही पहले नेट से डीएन शायरी ने पिक ऑफ किया है। क्या सोनिक ओपी का सफर यहीं खत्म हो जाएगा, क्या लॉबी लौटेंगे? ईवो फ्रिजी ओपी ने बहुत ही प्यारे तरीके से नॉक किया है एक। ओके तो शायद ईवो फ्रिजी ओपी कहीं और है। टीम नंबर 6 के बंदे कहाँ से आ गए वैसे, लाइव स्ट्रीम पे क्या क्या पता नहीं। आईटी रेजर को फिनिश किया जा चुका है और यहाँ पे टीम नंबर 25 का पूरा सफर हो चुका है खत्म बाय टीम नंबर 1 में, टीम नंबर 4। या गाइस 4 किल्स है भाई भाई लोगों के, और बहुत ही प्यारा खेले हैं। ईवो के फ्रिजी ओपी ने भी एक स्क्वाड वाइप किया है। फ्रिजी ओपी किधर है, शायद से ये लोग इधर हैं। जी हाँ भाई, डुओ स्क्वाड खेल रहे थे लेकिन क्या ही आग लगा दी उन्होंने आज जॉर्जपुल में, मज़ा ही आ गई। ब्रो यू वन मैनी हार्ट्स गाइस, मज़ा आ गई। यासना में 3 स्क्वाड्स की फाइट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे बीओ क्लच गॉड टीएफआई लूसीफर और मिस्टर आकाश, और उनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि पीछे भी बंदे हैं। टीम 1 को देखते हैं, उनके पास उतनी अच्छी लूट्स दिख तो नहीं रही है मेरे पास, मतलब मेरे को। लेकिन तूफान के पास लेवल 3 वेस्ट ज़रूर है, पर हेलमेट बहुत ही बेकार है, बहुत ही लोकल क्वालिटी का चाइनीज़ हेलमेट पहन के आए वो। टीम नंबर 2 भी बैक पाइट कभी भी कर सकती है टीम नंबर 6 को अगर चाहे तो, और टीम नंबर 17 का शायद एक ही बंदा खेल रहा है आई सपोज, नहीं खेल दो रहे थे एक मर गया। ओके कोई इशूज़ नहीं ब्रो, कोई इशूज़ नहीं। सिवर्न में बस टीम नंबर 21 गई है और टीम नंबर 21 का एक बंदा रोटेशन भी दे रहा है बाइक से। ओके डबल सीटर बाइक से सब बंदे रोटेशन दे रहे हैं। ओके गाइस हमारी लाइव स्ट्रीम तो बहुत कम लोग आ रहे हैं अभी के लिए, गाइस वॉचिंग ही नहीं आ रही भाई यार, कुछ तो करो अपन कितना फैलाएगा। टीम नंबर 9 के 3 बंदे जिंदा हैं और जेपी न्यू को जैसे कि देखा था बहुत ही बेरहमी से फिनिश किया जा चुका था। पहला एयर ड्रॉप देखते हुए हमें इस एयर ड्रॉप में क्या होगा। ओके M249 विद लेवल 3 किट्स ओपी ड्रॉप है। टीम नंबर 16 या 2 भी लूट सकती है, फिर टीम नंबर 17 का एक बंदे के भी चांसेस है लूटने के। टीम 18 को तरफ हम चलते हैं ज़रा, तो टीम 18 अभी उतना ज़्यादा कुछ कर दे रही है। इस तरफ एक मिनट यार, 2 की वॉचिंग आ चुकी है। मेरे को लग रहा है ऐसा कि शायद साउंड आ नहीं रहा है आपको प्लेयर्स के मूवमेंट्स का। एक मिनट बस, या फिर शायद आ रहा है मेरे को यार, चेक करना पड़ेगा भाई, बता दो अगर साउंड आ रहा है कि नहीं इन गेम मूवमेंट का। ब्रो स्क्रीन बता दो अगर साउंड आ रहा है। ओके आ रहा है साउंड। ओके फाइट हो चुकी है, सॉरी यार। मिस्टर लोबी संदर को फिनिश किया जा चुका है वीडियो मेकर, चलते हैं उनके पास। किधर हैं टीम नंबर 5 और टीम नंबर 9 की फ़ाइट हो रही है टीम नंबर। ओके जस्ट अ सेकेंड, तो टीम 5 टीम 14 और टीम 99 का ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है, और वीडियो मेकर क्या ही खेल रही हैं या खेल रहे हैं ब्रो। टीम क्या ही स्प्रे दे रहे हैं भाई डीपी का, 5 किल्स निकाल चुके टीम 5 और किल्स की भूख में टीम नंबर 9 की मौत के खिलाफ मौत की तरफ बढ़ रही है। ओके टीम नंबर 9 बहुत ही घातक सिचुएशन में, अगर उन्होंने टीपी भी लेके एक दो को नॉक नहीं किया तो इनके लिए बहुत ही मतलब बचना एकदम इम्पॉसिबल टाइप हो जाएगा। डॉक्टर गॉडफादर को देखते हैं, ऊपर जाके पेन किलर ले रहे हैं भाई, इनको फर्स्ट एड पॉप इन करनी चाहिए पर ले रहे पेन किलर रहे हैं, अजीब नशे भाई के। ओके कोई ना, दारू विस्की को देखते हैं, बहुत ही अजीब सा नाम है दारू विस्की, लेकिन अगर क्लच कर दिए तो नाम फेमस हो सकता, नहीं तो नाम डूब भी सकता है गाइस। 3 की वॉचिंग है, सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया, लाइक भी कर दो गाइस स्ट्रीम को। दारू विस्की क्या ही क्या क्लच कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, वो छत पे पूरा टीवी भी लेके बैठे हुए हैं। टीम 5 के बंदों को ज़रा देखा जाए, वीडियो मेकर को, वीडियो मेकर एक के एम लेके यहाँ से चढ़ने की कोशिश करी पर हो नहीं पाया। हाँ और गॉडफादर क्या नॉक होंगे, जी हाँ गॉडफादर नॉक हो चुके हैं, और इसी के साथ टीम नंबर 9 फिनिश ऑफ हो चुकी है बाय टीम 5। क्या ही घातक प्रदर्शन कर रही टीम 5, दो स्क्वाड्स एलिमिनेट कर चुकी है अपने पूरे मतलब अकेले दम पे यार, क्या ही खेल रही है। टीम 14 पे शायद ये लोग जाएंगे उनको वाइप आउट करने के लिए, विडो मेकर के लिटरली 1 HP, और यहाँ पे स्नैप स्वैप ओपी को कालन गब्बर ने पिक ऑफ किया है, लेजेंड डीवीएस को फीवर कॉर्ड ने पिक ऑफ किया, लेजेंड डीवीएस को फीवर कॉर्ड ने फिनिश भी कर दिया है।
देखना पड़ेगा लेजेंड डीजेएस किधर है, लेजेंड की क्लाइंट। एक मिनट गाइस, ओके तो टीम नंबर 18 की शायद से फाइट हो रही थी। जी हाँ, उनका स्नाइपर बॉय नॉक है। इधर कोई मेरे को बंदा दिख तो नहीं रहा है उनके आसपास, उनके एनिमिक्स। जी हाँ, कोई है नहीं। के टीम नंबर 23 मिलिट्री के बीच से रोटेशन दे रही है और चौथे एयर ड्रॉप फ्लेयर ड्रॉप है। ये फिर से हमारा कुछ ग्लिच हो चुका है, अभी हम नीचे स्क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। टीम 23 ड्रॉप को लूटना चाहिए उन्हें। जी हाँ, उन्हीं का एयर ड्रॉप है, सॉरी। टीम 12 पे देखते हैं। टीम 12 के चारों बंदे जिंदा हैं, वो भी कैंप पर स्क्वाड लग रही है मेरे को, लेकिन कुछ कह नहीं सकते इनके। 16 टीम्स अलाइव हैं हमारे पास अभी के लिए। टीम नंबर 8 पूरा वहाँ क्या बोलते हैं, जॉर्जो के पूरा सिटी, मेन सिटी में जाके लूट कर रही है। इनके पास लूट तो अच्छी लग रही है, मतलब सब है इनके पास, गन्स भी अच्छी हैं, हीलिंग्स वगैरह सब है। और यासना का सीन देखते हैं, यासना अभी भी 3 स्क्वाड्स फंसी हुई हैं। ओके, जोन कटा है नॉर्थ की तरफ पूरा, सिवर्नी पे बना एक रेड जोन और ड्रॉप 5 पे चलते हैं हम लोग सीधे। ड्रॉप 5 पे क्या आ रहा है गाइस? ओके, ग्रोसा विथ 8x को पैन लेवल 3 किट्स। तो गाइस, कोई स्नाइपर हो तो ले सकता है, और एसॉल्टर एंट्री फैगर के लिए भी बहुत अच्छा ड्रॉप है ये, तो ले लेना चाहिए यार। टीम 17 के बंदे को देखते हैं, वो अपनी US लेके क्या ड्रॉप लेने जा रहा है। जैसा कि हमें लग रहा है वो शायद ना जाए। टीम 21 के बंदे को देखते हैं, वो भी सिवर्नी पूरा होल्ड करें आई थिंक सो। जी हाँ, बहुत ही तगड़ा कैंप करें, लग ऐसा रहता कि बस एक ही बंदा है, लेकिन पूरी तगड़ी कैंपिंग चल रही है इनकी सिवर्नी में। टीम 14 की तरफ चलते हैं हम, ये लोग भी रोज़ा को कंसोलिडेट करे हुए हैं अभी तक। टीम 8 अभी भी वहीं हैं, जॉर्जो मेन सिटी। और टीम 4 को देखते हैं, फ्रिजा ओपी किधर से भाई, एक सेकेंड गाइस। ओके, टीम 4 और टीम 24 के बीच में फाइट होती हुई दिख रही है हमें। क्या इस बार भी टीम 24 2OV स्क्वाड क्लच कर सकते हैं? फ्रिजा ओपी के पास बेहतरीन कार 98 और अगर इन्होंने हेडशॉट दिया तो ये बहुत ही ओपी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए वो फॉल बैक करने की सोच रहे हैं। अभी इनके निंजा ओपी को देखते हैं, वो पूरे टावर पे चढ़ चुके हैं, मतलब बहुत ही हाई एलिवेशन वो ले चुके हैं। अगर इन्होंने एक भी बंदे को स्पॉट किया तो फिनिश पिक ऑफ भी करेंगे, साथ ही फिनिश भी करेंगे। दो बंदे इनके पीछे से आ चुके हैं और आइकन के लॉक के बंदे की फायरिंग की वजह से इनको पता चल चुका है कि पीछे भी बंदे हैं। तो आइकन के लॉक ने बहुत ही प्यारी तरीके से टीम डी एन के शैडी ओपी को नॉक पिक ऑफ किया और फिनिश भी कर दिए, बहुत ही ओपी भाई। लेट के स्प्रे दे रहे थे, स्प्रेस कनेक्ट भी हुए बाकायदा और बहुत ही ओपी तरीके से वाइप हुए। ओके, स्वॉर्ड बीस्ट को रेड एंड एंग्री ओपी ने पिक ऑफ किया। स्वॉर्ड की क्लैन के दो बंदे नॉक हो चुके हैं, चलना पड़ेगा स्वॉर्ड की क्लैन पे। तो यहाँ पे स्वॉर्ड तूफान बहुत ही लो एचपी पे है। ओके, पूरी टीम 20 ने रश कर दिया है, इनके लिए बहुत ही दिक्कतें हो सकती हैं। तूफान के पास हीलिंग्स नहीं है, तूफान शायद ख़त्म हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं तूफान। एक बंदे को भले ही नॉक करते लेकिन तूफान ख़त्म हो चुके हैं। इसी के साथ टीम नंबर 1 गेट्स एलिमिनेटेड बाय टीम 20। तो गाइस, जॉर्जो पुल में फाइट देखते हैं, शायद से फाइट हो चुकी है। जी हाँ, ईवो नहीं, निंजा ने एक किल निकाल लिया अपने लिए। ईवो के ऊपर बहुत ही प्यारा स्प्रे आया पर ज़्यादा बुलेट्स कनेक्ट नहीं हुए इनको पिक ऑफ करने के लिए। गाइस, 3 की वॉचिंग है, लाइक वाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है गाइस। ओके, 2 की वॉचिंग हो चुकी है, अब 4 लाइक्स हो चुके हैं, 64 सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। ओके, फ्रिजी ओपी अभी बैंडेज कर रहे हैं खुद को, उनके पास ज़्यादा हीलिंग्स हैं तो नहीं, लेकिन तभी काम चला रहा उभर की हीलिंग्स हैं। टीम 5 एक कंपाउंड में होल्ड करके बैठी है, ये अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कैंपिंग कर रहे हैं अभी के लिए थोड़ी देर के लिए, कोई नहीं। टीम 23। ओके, टीम 3 के शायद करीब एक बंदा नहीं, बिल्कुल नहीं। टीम 23 पूरे हॉस्पिटल की तरफ से रोटेशन दे दिया है, इनकी लाइन ऑफ रोटेशन में शायद से टीम नंबर 24 या टीम 4 का बंदे आ जाएं, ये तो वक्त ही बताएगा गाइस। जासना पोलियाना में देखते हैं क्या है सीन। टीम 6 अभी भी जोन के बाहर है, वो सब पैदल भागते हुए। टीम 18 को चेक करते हैं, कैलिन के गब्बर हैं, इनका एक बंदा मर चुका है, लेजेंड डीवीएस। ओके, लेजेंड डीवीएस इनका मरा था, 3 किल इनके नाम। और इनका रोटेशन में शायद इनकी फाइट टीम नंबर 20 के साथ हो सकती है, ये तो देखते हैं। कैलिन गब्बर सीधे जा रहे हैं, उनको शायद से पता चल चुका था, अभी उन्होंने डायरेक्शन चेंज किया। जी हाँ, शायद से उनको पता चल चुका है कि उधर बंदे हैं, तो उन्होंने अपनी टीम मेट्स को कॉल दे दी होगी कि उधर से मत आना, तुम्हें मौत मिल सकती है, फलाना ढिमकाना। टीम 2 बहुत ही ओपन में आ चुकी है, अगर किसी टीम ने इनको ऑफ कार्ड पकड़ लिया तो इनकी टीम शायद एलिमिनेट हो सकती है। फेट डेथ के पास है, कार 98 विद एन 8x स्कोप, बहुत ओपी। ड्रॉप नंबर 6 भी आ चुका है,
शूटिंग रेंज की तरफ गिरा है। इसमें देखते हैं क्रूजा विद गिली सूट एंड सप्रेसर यार विद लेवल 3 किट्स। गाइस ले लो यार, ये तो मतलब कतई कैंपिंग वाली स्क्वाड के लिए होगा। ओके भाई टीम नंबर 23 बहुत ही प्यारा रोटेशन दे रही है। जॉर्ज पुल के ब्रिज से जा रही है ये लोग और शायद से मेरे ख्याल से शूटिंग रेंज की तरफ से ये लोग जोन में एंटर करेंगे। कुछ कहा नहीं जा सकता है, हमारे वाईफाई की पिंग अचानक से हाई हो चुकी है। टीममेट को देखते हैं, वो मेन सिटी में, उनको शायद से पता भी नहीं कि मेन सिटी की दूसरी तरफ टीम 23 का कब्जा आ चुका है। टीम 24 को देखते हैं, उनके दूसरा बंदा निंजा किधर है। ओके दोनों पास ही पास हैं, इनके शायद टीम नंबर 4 का बंदा ओके पूरा बैक ऑफ कर चुका है। इनके तीनों बंदे की मौत हो चुकी है, ये फाइट लेने आए थे टीम नंबर 4 के बंदों से, मतलब आई मीन टीम नंबर 24 के बंदों से, पर इनके खुद के बंदों की वाट लग चुकी है गाइस। तो टीम नंबर 3 का रोटेशन टीम नंबर 4 की तरफ से जा रहा है, देखते हैं उनको शायद से पता चल चुका है टीम 24 के डेथ विश को कि बंदों का रोटेशन जा रहा है। अभी के लिए मेरे को किसी की फाइट होती हुई दिख नहीं रही है। टीम नंबर 6 एक ही गाड़ी में जा रही है, जी हाँ। टीम नंबर 20 के बंदों ने शॉट्स लिए हैं और एक बंदे को नॉक भी कर दिया। टीम CMD के 20 नॉक हो चुके हैं। टीम नंबर 20 और टीम नंबर 10 के बीच में फाइट हो रही है। टीम नंबर 10 को एक बार स्पेक्टेट करते हैं, INC सिद्धार्थ। ओके जेनी FTW को पिक ऑफ कर दिया गया बाय अ ब्यूटीफुल ग्रेनेड बाय टीम नंबर 20। टीम 20 के बंदे को शायद से रिवाइव मिल रहा होगा, जी हाँ उनको बिल्कुल रिवाइव मिल रहा है। टीम नंबर 10 की अब स्थिति देखते हैं क्या है, उनके जेनी को शायद रिवाइव, जी हाँ उनको सीढ़ियों पर रिवाइव मिल रहा है, स्मोक वोक कर दिए गए हैं सेफ्टी के लिए। टीम 12 की भी एंट्री हमें पास ही में दिख रही है। ओके तो जोन ने बहुत ही प्यारा ऑकवर्ड रोटेशन दिया है, एकदम शूटिंग रेंज की तरफ नॉर्थ वेस्टर्न कटा है जोन। ओके CMD को मतलब CMD के बंदे को पिक ऑफ कर चुके हैं, देखना पड़ेगा। सानू OP तुरंत रिवाइव गाइस, टीम 20 तुरंत अपने बंदे को रिवाइव दे दिए क्योंकि वो खतरा मोल नहीं लेना चाहते। इनके 4 किले लेकिन अभी के लिए थोड़ा परेशानी में दिख रही है हमें। 7M के दिनेश ने पिक ऑफ किए हैं बंदे। ओके चलते हैं, नहीं इधर। ओके लोलम अनुभव ने DRF के बहुत ही अभी जाना है, क्यों क्विक कॉटिक को फिनिश कर दिया है और इनका लास्ट बंदा वोक कौन OP बहुत दूर निकल चुका है। भाई लैग क्या ही कर रहा है ब्रो, कस्टम लैग क्या। टीम 20 की तरफ चलते हैं। 968MS ने टीम CMD के बूजू को पिक ऑफ कर दिया है। CMD के 20 ने मॉली सेक को पिक ऑफ किया है। टीम नंबर 20 के लिए गलत हालात से तीन बंदे नॉक हो चुके हैं, जी हाँ तीन बंदे नॉक हो चुके हैं। रेड एंड एंग्री वो आ चुका है, रेड एंड एंग्री OP भी फिनिश ऑफ हो चुके हैं भाई। टीम नंबर टेन का बहुत ही OP प्रदर्शन, लेकिन इसी फाइट के बीच में INC हितार्थ का एक बंदा मतलब INC हितार्थ फिनिश ऑफ हो चुके हैं। जेनी को FTW को रिवाइव मिल जाएगा, जी हाँ इनको भी अभी 861 मीटर्स दूर रोटेशन देना है और एक मिनट में नया जोन स्टार्ट हो रहा है। अभी और प्लान्स को देखते हैं कि ओके टीम नंबर 12 और टीम नंबर 2 की फाइट देखने को हमें मिल सकती है। टीम नंबर 24 को देखते हैं, वो भी रोटेशन दे चुके हैं अपना। टीम नंबर 6 की तरफ से शायद एनकाउंटर करेंगे टीम नंबर 6 को, वो तो अब देख के ही पता चलेगा। टीम 24 को हम देखते हैं, टीम 24 टीम नंबर 6 के बहुत पास है। टीम नंबर 6 शायद शॉट लेना चाहे इन पे। 6KM के दिनेश को नॉक किया जा चुका है। NF जुपचीत भाई क्या ही खेल रहे, किधर है NF जुपचीत, एक मिनट यार नहीं। ओके तो टीम 21 के दो बंदे नॉक कर चुके हैं। जुपचीत भाई किधर है यार, कहाँ गए जुपचीत भाई हमारे, गाइस एक मिनट जस्ट देना मेरे को। इधर तो नहीं होंगे ऊपर में। ओके गॉडफादर को पिक ऑफ कर दिया जा चुका है बैक। कार्नेज एंड विडो मेकर फिनिश हो चुकी हैं, फिनिश हो चुका है जो भी, गॉडफादर भी फिनिश हो चुके हैं। लेस की स्क्वाड बहुत ही OP खेलती हुई यहाँ पे, और 21 की मतलब टीम नंबर 21 और टीम नंबर 12 बहुत ही पास पास हैं एक दूसरे के, तो फाइट हमें कभी भी होती हुई दिख सकती है। कौन OP को देखते हैं, वो बहुत ही एज ऑफ द क्या बोलते हैं मतलब समुद्र के बहुत करीब से रोटेशन दे रहे हैं। गाइस 4 की वॉचिंग है अभी भी, लाइक्स वाइक्स कर दो यार, क्या करोगे बिना लाइक्स करे यार। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब दबा दें। और लेजेंड गेमिंग ने कहा है ग्रेट कास्टिंग, थैंक्स अ लॉट ब्रो, थैंक यू फॉर द मोटिवेशन भाई, ऐसे ही मोटिवेशन मिलता है। कौन OP अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरते हुए, और इनको भी जल्दी जोन में रोटेशन, ये हॉर्न पता नहीं किस लिए मार रहे हैं, इनका तो कोई टीम में जिंदा भी नहीं है। ड्रॉप नंबर 7 पे देखते हैं क्या आया है। ड्रॉप नंबर 7 MT क्यों दिख रहा है, ऑम है विद लेवल 3 किट्स और
टीम नंबर 24 के द्वारा उठा ली गई है। कार्नेज ने नॉक किया डिवाइन क्रोनोस को। किधर है कार्नेज? कार्नेज भाई किधर हो आप? डिवाइन क्रोनोस को देखते वो नॉक है, उनको रिवाइंड दिया जा रहा है। ओके टीम 21 और टीम नंबर 12 की फाइट जैसा कि मैंने कहा हो चुकी है। और लेस्के बंसी को नॉक किया जा चुका है दिनेश के द्वारा। लेस्के बंसी किधर हो आप? लेस बंसी, लेस का क्लैन देखो। ओके लेस बंसी को रिवाइव अब दिया जा रहा है ऋत्विक पी के द्वारा। ओके टीम 12 के बंदे लेस। ओके नाइस। अभी भी टीम नंबर 10 और टीम नंबर 14 जोन के बाहर है और बहुत ही लेट रोटेशन दे रही है टीम नंबर 14। FPP स्विच करके शायद बंदा ऑफलाइन है, मेरे को लग तो ऐसे रहा। लोन अनुभव को फ्रिजी ओपी पिक ऑफ कर चुके हैं। क्या भाई क्या ही गेम निकाले टीम नंबर 24 के बंदे, डुओ भी स्क्वाड खेलते हुए लेकिन तब भी किल्स पे किल्स निकाले जा रहे हैं। कैलन गब्बर ने डेल्टा के हंटर को पिक ऑफ किया है। कैलन गब्बर को टीम 18 और टीम 8 की फाइट हो रही है। टीम 8 के एक बंदा फिनिश हो चुका है। लेस टॉक्सिन को डिवाइन क्रोनोस ने कार्नेटेड के हेडशॉट से पिक ऑफ किया है। कैलन गब्बर को देखते हैं क्या ये 1v3 का सिचुएशन क्लच कर पाएंगे। डेड आई आ चुके हैं लेफ्ट से, उनको पता चल चुका है कि बंदा टीपी पे ले रहा है और हर जगह से बंदे आ चुके हैं। क्या नॉक करेंगे? ओके गब्बर फिनिश ऑफ हो चुके हैं बाय टीम नंबर 8 एंड टीम नंबर 8 भाई ओपी खेले। चार किल्स टीम नंबर 8 की और अभी उनको जोन में रोटेशन जल्दी ही देना पड़ेगा, नहीं तो कोई उनका गेट कीपिंग कर सकता है उनके जोन के काटने के लिए। तो अभी 21 टीम नंबर 21 पे चलते हैं, उनके 3 किल हैं और टीम नंबर 12 को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होगी एज़ कम्पेयर टू टीम नंबर 21 बिकॉज दे आर मोर आउट ऑफ द जोन। जैप स्टार जोन से नॉक हो चुके हैं जैसा कि मैंने कहा था, वो शायद ऑफलाइन है। जी हाँ बिल्कुल ऑफलाइन है वो। और टीम नंबर 23 और टीम नंबर 4 के बीच में फाइट हो सकती है। नहीं ओके कौन अकेले बचे थे वो फिनिश ऑफ हो जाएंगे, हो चुके हैं बाय द वे। टीम नंबर 23 ऐसी बस्ट डाउन गाड़ी से जा रही है उनको एक स्प्रे में और उनकी पूरी दो बंदे खत्म। जी हाँ दो बट 10 बहुत 21 बंदे होते हुए जा रही है। ओपी कहाँ है हिट्स करने की कोशिश पूरी करते हुए लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं गया। फिनिश हो चुके हैं शायद उनका प्लान। बियो क्लच गार्ड को पिक ऑफ किया जा चुका है। बियो क्लच 11th पोजीशन पे एलिमिनेट हुए वो लोग। एसिड संतोष पिक ऑफ हो चुके हैं भाई व्हीकल वेगरा से। किधर है एसिड के बंदे? टीम 23 पे चलते हैं हम लोग एक बार। और गाइस अभी के लिए टीम नंबर 23 के लिए बहुत ही गलत सिचुएशंस है। ओके एसिड संतोष भी पिक ऑफ हो चुके हैं। अब एसिड आजाद पे आ चुकी है। ओके एसिड आजाद भी शायद से ग्रेनेड से मर चुके हैं, वो अभी देखना पड़ेगा। भाई जल्दी दिखाओ। ओके उनको आइकन के लोसी ने M4 के स्प्रे से पिक ऑफ किया है। टीम नंबर 12 को देखते हैं। टीम नंबर 12 और टीम नंबर 4 की फाइट होती हुई। टीम नंबर 4 का शायद एक ही बंदा बचा है। जी हाँ डेथविश बचे हैं। टीम नंबर 4 को रोटेशन मतलब डेथविश को रोटेशन दे देनी चाहिए अभी के लिए लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। टीम नंबर 12 जहाँ भी जा रही है वहाँ टीम नंबर 2 ने अगर इनको ओके 7 आप एफवी भाई क्या ही शॉट्स बसा रहे। ओके हम इसी क्लाइन को कर रहे हैं। जैब 4 आई एम रियली सॉरी गाइस मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया, नहीं नहीं सही प्रोनाउंस किया था। जैप एफवी टीम 14 ओके क्या ही टपाटप शॉट्स बसा रहे हैं। टीम 14 द सेंटर ऑफ द जोन है और उनके फॉर्मेशन से गाइस सबका कटता है तो लग रही है अभी के लिए। टीम नंबर 10 ने शॉट्स लिए हैं। म्यूज एम क्यूबर FEW पता नहीं कर रहे हैं वो शायद एक शैक में कन्फाइंड है। जी हाँ चारों के चारों बंदे एक ही शैक में कन्फाइंड है। अगर टीम 12 के बंदे ने स्पॉट किया तो चाहिए। लेस के स्क्वाड के 3 बंदे नॉक हो चुके हैं। ऋत्विक पी टू के पर अभी उनको जोन में रोटेशन देना है। ऋत्विक पी अगर खड़े होके गए तो इनके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ओके वो क्राउड जा रहे हैं। लेस के 3 बंदे एलिमिनेट और ऑफ गार्ड पोजीशन में पकड़े गए थे 968 MS। डेथविश जोन से मर चुके हैं। हमारे पास है टॉप 16 को सहारा न दे पाएंगे। ओके जेनी FTW और 968 MS जैप और सोल की वजह से जैप और सोल के नेट से फिनिश के ऊपर शॉट्स आएंगे। उनको फुल बूस्ट कर लेना चाहिए जोन नेक्स्ट जोन के लिए तो उनके लिए बहुत दिक्कतें होंगी। टीम नंबर 2 अपने अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं उनको नेक्स्ट जोन ओके वो आ चुके हैं जोन में रोटेशन करके। टीम नंबर 12 के लिए भी
ऋत्विक पी को फिनिश कर दिया जा चुका है वॉरियर के द्वारा M16 के यूजेज से। तो हमें मिल चुकी है अपनी 5 टीम्स विद 15 मेंबर। हो सकता है ये जोन में रोटेशन। योर सोल ने 7 KM के पायरेट ने गलत काम किया अपने बंदों के साथ। ओके मेरा लोडिंग आ गया, सुन ले कोई बात नहीं। सूडो पिक ऑफ हो चुके हैं ग्रेनेड से और टीम नंबर 21 के लिए बहुत ही खतरनाक हालात से दो बंदे रिमेनिंग है विद दिनेश भाई के पास शायद जोन ही नहीं है, जोन से पिक खत्म हो जाएंगे और हमारे पास बची है टॉप 3 टीम्स विद 10 मेंबर्स अलाइव। चलते टीम नंबर 14 पे, क्या ही परफॉर्मेंस दे रही है वो, 5 किल्स हैं। और फेटेक्स वॉरियर पर चलते हैं, फेटेक्स वॉरियर किधर है हमारे टीम किल्स निकाले उन्होंने, माँ कसम गाइस क्या ही किल्स की भूख थी ना इनमें, दिक्कतें पैदा कर सकती हैं गाइस, सिचुएशन कर सकते हैं। उन्होंने 12 किल्स निकाले हैं प्रोटेक्शन के लिए। टीम नंबर 8 ये ओके भाई जैप एफ भी फिर से अपने खतरनाक हेडशॉट्स बरसाते हुए फिर अजीब सी कर रहा है, फिर डेथ को तुरंत रिवाइव मिल रहा है, एक नीड इनकी ये हेडशॉट्स इनको एड्रेनलिन सिरिंज या बूस्टर्स अगर उन्होंने फाइट ली तो उनके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। टीम नंबर 8 जोन में जाने के लिए ओके जैप एफ को शायद फिनिश ना हो, रिवाइव देने की पूरी कोशिश रहेगी। टीम नंबर सोल के बहुत ही प्यारे स्प्रे ने फेटेक्स वॉरियर को नॉक कर दिया है और शायद टीम नंबर 2 का यहाँ पे बहुत गंदा एंड होते हुए हमें दिखेगा। जॉर्डन की हेल्प बहुत है और जी हाँ बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, हाइट पीस को फिनिश हो जाएंगे। ओके दो टीम्स बाकी, टीम नंबर 14 टीम नंबर 2 के साथ बहुत ही गलत सीन्स हुए। हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अपने पोजीशंस के, टीम्स के पोजीशंस के। टीम 14 भाई साहब इन्होंने क्या ही खेला, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया थर्ड पोजीशन पे आने वाली टीम आइकन के LOC की टीम ने भाई, डेल्टा की टीम ने, पता नहीं फ़ोन क्यों कर देते हैं लोग। इन्होंने भाई साहब इनको सही टाइम पता था कि मतलब कब इनको थर्ड पार्टी टीम्स पे करना है और इन्होंने बहुत सही टाइम पे थर्ड पार्टी करके टीम नंबर 2 फेटेक्स फेट की क्लैन का इन्होंने चिकन कैंसिल कर दिया, नहीं तो फेट की क्लैन का इजी चिकन लग रहा था मेरे को यहाँ से, पर चिकन कैंसिल हो चुका है इनका बिकॉज ऑफ टीम नंबर 3 के बहुत ही राइट कोऑर्डिनेशन और टीम नंबर 14 के बहुत ही सही गेम सेंस एंड गेम प्लान की बदौलत। तो गाइस हम कल मिलते हैं, कल भी हम 3-4 कस्टम स्ट्रीम करेंगे तो गाइस आ जाना यार, थोड़ा सपोर्ट दिखा दिया करो गाइस। अगर आपको डोनेशन करने का मन हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पेटीएम नंबर दिया है, आप डोनेशन कर सकते हो अगर आपका बहुत ही मन हो डोनेशन के लिए। वैसे तो सपोर्ट दिखा दिया करो गाइस, लाइक वाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। तो गाइस अब मिलते हैं हम लोग कल के मैचेस में, तो गाइस बाय सी यू, रुको मैं स्ट्रीम में सी यू बाय, कल मिलते हैं भाई लेजेंड कास्टिंग आ जाना ब्रो टाइम पे, एक 7 बजे होगा, एक 9 बजे होगा और एक